करने वाले सबको फिर से धन्यवाद देते हुए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। कॉलिंग फॉर बेटर पर्पज ऑफ बेटरमेंट इन देयर हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ विच दे हैव बीन डिफर्ड टिल नाउ। जय हिंद। क्योंकि जनता का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू दिस ऑगस्ट ओकेजन द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट BUMS कोर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू ऑल ऑफ अस। आई वुड फर्स्टली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ आयुष फॉर पुटिंग अप दिस इवेंट। दे हैव वर्क्ड इन टैंडम विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थरली इन एंश्योरिंग अ ग्रेट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम टूडे। I once again thank the Minister sir for gracing this occasion with his presence. And you are fortunate enough that the portfolio of Ayush Ministry has been placed in मुकाबले और आज JNK में जो शांति व्यवस्था है ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। हम भारत सरकार के द्वारा यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस BUMS कॉलेज को इनॉग्रेट करने के लिए और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर इस आयुष के इस पर ज़्यादा फोकस करे ताकि जो हमारा मेडिकल जो हमारी मेडिकल सिस्टम है उसको उसका उसकी तवज्जो ज़्यादा दी जाए उसकी तरफ ताकि हर किसी को फ़ायदा हो इस आयुष मेडिकल सिस्टम में। हो रहा है इसी साल से तो मैं उसका पहला उस बैच का स्टूडेंट हूँ और उसके लिए थोड़ी खुशी भी है कि पहले बैच में हमें मौका मिला यहाँ पे और होपफुली वी होप कि हम कंट्री के फ्यूचर जो आयुष डॉक्टर्स हैं उसमें से बेस्ट डॉक्टर्स होंगे हम अपनी कंट्री के। तो जो आपका कहना है कि आपने क्यों अब इसमें थोड़ा मतलब इंटरेस्ट दिखाया, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं था यहाँ पे तो उसकी वजह से हमारा भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन अब गवर्नमेंट दिखा रहा है थोड़ा इंटरेस्ट एंड वी होप कि और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए और थोड़ी बहुत जो है इम्प्रूवमेंट्स की अभी ज़रूरत है तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिखाएंगे। JNK की सभी जनता को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज आप लोगों ने जैसे देखा परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सहयोग से आज यूनानी मेडिकल यहां कॉलेज एंड हॉस्पिटल बने, आधुनिक व्यवस्था यहां रखा गया है ताकि विद्यार्थियों को सारे यूनानी सिस्टम को आगे बढ़ाने में